एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अगर वो गैंग रेप किसी नॉर्मल आदमी ने किया होता तो एफआईआर दर्ज हो जाती, लेकिन वो गैंग रेप भाजपा के नेताओं ने किया, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्यों? किसका किसका गैंग रेप हुआ है? मेरी छोटी बहन का, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई की हत्या करवा दी इन लोगों ने एक साल पहले। मैं भटक रही हूँ एक साल से इनके पास न्याय के लिए। भाई की हत्या का एफआईआर दर्ज कराने के लिए दौड़ते दौड़ते बहन का भी गैंग रेप हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन की आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कम से कम एक दर्जन एप्लीकेशन मैं रायबरेली पुलिस को दे चुकी हूँ। रायबरेली पुलिस इन नेताओं के साथ बैठती है, चाय नाश्ता करती है, लेकिन हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। किस जनपद के किस थाने का मामला? मैं रायबरेली थाना जन कोतवाली से आई हूँ। क्या नाम है? आज आप क्या करने की कहाँ आई? मैं रोज इनको एप्लीकेशन 15 दिनों से दे रही हूँ। दिन भर मैं और मेरी दोनों बेटियाँ यहाँ पे बैठते ही गेट पर, और रात में सिविल अस्पताल पे ये लोग हमको भगा देते हैं सोने के लिए। भाजपा के किन किन नेताओं का है? इसमें गजानंद सिंह, भानु प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आरबी सिंह रायबरेली, ये सभी शामिल है। इसी कारण भाजपा जिला अध्यक्ष आरबी सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं, इसलिए ये एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। सबका मामला है जो रेप ये मेरी बहन का और भाई की हत्या एक साल पहले हुई है, दोनों ही मामलों के एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। 97-98 में मेरी माँ को गैंग रेप करके मार दिया गया, मेरे पिता की हत्या हो गई, उसकी सीबीआई जांच के लिए मैं मांग कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रही है, और उसमें भी भाजपा नेता ही शामिल है। मुख्यमंत्री आवास आईडी क्या? मैं रोज आती हूँ, मैं सिर्फ आज नहीं आई थी, मेरी बेटियाँ रोज एप्लीकेशन देती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज भी मैं एफआईआर दर्ज के लिए ही आई थी, लेकिन अब आज हम लोगों के पास ना तो रुपया पैसा है, मेरे बच्चे भूख से परेशान घूम रहे हैं, हम लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। घर में मेरी बेटी ने 24 तारीख को जहर खा लिया था, तब 25 तारीख को हम लोग यहाँ आए हैं न्याय मांगने के लिए। 15 दिन बीत गया, हमें मिला न्याय, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे।